हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी, तो आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और इजी नाश्ता की रेसिपी, जो कि बहुत ही कम समय में बनके तैयार हो जाती है। बहुत इजी है बनाने में। अगर आपको सुबह या शाम में अगर हल्की फुल्की भूख लगी हो तो आप इस नाश्ते को बना के खा सकते हो, और बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे आप दे सकते हो। बच्चे बड़े चाव से खाएंगे, ये हेल्दी नाश्ता है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। हमने यहाँ पे एक कप सूजी ली हुई है। सूजी आप महीन या मोटी किसी भी तरीके की सूजी आप ले सकते हो। उसी के नाप से मैंने यहाँ पे एक कटोरी फटी हुई दही को भी ऐड किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और टेस्ट के अनुसार मैंने यहाँ पे नमक को भी ऐड कर दिया है। अब इन सबको मिलाने के बाद मैं यहाँ पे आधी कटोरी जो है पानी को ले रही हूँ। इन सबको मिलाने के बाद मैं इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी, ताकि हमारी सूजी अच्छी तरीके से फूल जाए। और फिर मैंने यहाँ पे 2 शिमला मिर्च को लिया हुआ है। इसको मैं गोल शेप में कट कर ली हुई हूँ। कट करने के बाद मैंने इसके बीज वाले पार्ट को निकाल के अलग कर दिया गया है। आप देख सकते हो कि मैंने सारी ही पीसेस के बीच वाले हिस्से को निकाल के अलग कर दिया है। इसके बाद मैंने कढ़ाई में पानी को डालकर उबालने के लिए रख दिया है। और इधर हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, तो हमारा जो सूजी है वो अच्छी तरीके से भी फूल भी गई है। तो इसके बाद हमें फटाफट क्या करना है, मैंने यहाँ पे ले लिया है इनो, और इनो मैं यहाँ पे आधे चम्मच डाल दे रही हूँ। और इसको डालने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी भी ले रही हूँ। पानी डालकर मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी, और मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमारा सूजी का बैटर बनके तैयार हो गया है। और इधर हमारा पानी भी खौल गया था, तो इसके बाद मैंने इसके ऊपर रख दी है चलनी। चलनी के ऊपर मैंने ऑयल से ग्रीसिंग कर दी है। ग्रीस करने के बाद मैं यहाँ पे शिमला मिर्च के सारे पीसेस को अच्छे से लगा दे रही हूँ। तो ये रेसिपी बहुत ही ईजी है, कोई भी झंझट नहीं है, बहुत ही कम सामान से ही बन के तैयार हो जाती है। और तो यहाँ पर इसके बाद मैंने उन सारे ही पीसेस में सूजी के बैटर को फिल कर दिया है। और गार्निश के लिए मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर से ऊपर से गार्निश कर दे रही हूँ। आप चाहो तो इसे स्किप कर करके प्लेन भी रख सकते हो, जैसे भी आपको पसंद है। तो यहाँ पे जो है सारी ही मैंने फिलिंग कर दी थी। अब मैं इसे कवर करके रख दे रही हूँ स्टीम होने के लिए। और इधर मैंने कुछ सब्जियों को कट कर लिया है, जैसे टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्च। आप चाहो तो इसमें और भी अपने पसंद की सब्जियों को ऐड कर सकते हो। इसके बाद मैंने इधर इसका तड़का तैयार करने के लिए कढ़ाई में सरसों तेल डाल दिया था। उसके बाद राई डालने के बाद मैंने यहाँ पे प्याज, करी पत्ता, शिमला मिर्च को डालकर मैं अच्छे से मुझे यहाँ पे फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पे जो है नमक भी डाला हुआ है। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालिएगा, और इस बात का ध्यान रखिएगा कि नमक आपने बैटर में भी डाला है तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, सोया सॉस, विनेगर। इन सबको ही डालकर मैं इसे 1 मिनट तो और कुक करूँगी। उसके बाद मैं गैस के फ्लेम को बंद कर दूँगी। इधर मैं चेक कर लेती हूँ कि हमारी सूजी पकी है कि नहीं। तो मैंने फोक डालकर चेक किया, तो यहाँ पर सूजी हमारी बहुत अच्छी तरीके से पक गई थी। तो मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है, और ठंडा होने के बाद मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बन के तैयार हुआ है। बहुत ज़्यादा ये स्पंजी भी है, खाने में बहुत ही ज़्यादा हल्का है। तो आप इसे चाहो तो इसे प्लेन भी खा सकते हो। अगर तड़के के साथ में इसे फ्राई करके खाओगे तो ये बहुत और भी ज़्यादा टेस्टी और यमी बन के तैयार हो जाता है। तो फटाफट हमने जो तड़का तैयार किया था उसमें मैंने इन सारे पीसेस को डाल दिया है। तो यहाँ पे जो है हमारा जो सूजी का नाश्ता है वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसको मैंने एक प्लेट में गर्मा गर्म निकाल लिया है, जिसको मैं मूंगफली की चटनी के साथ में सर्व कर रही हूँ। तो आप चाहो इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व करो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये नाश्ता हमारा जितना खाने में टेस्टी है उतना ही ये हेल्दी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा शिमला मिर्च और सूजी से बना ये हेल्दी नाश्ता आपको कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे लाइक बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।